दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पेटीएम SBI क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि पेटीएम जो है SBI कार्ड के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च की है, जो कि दो वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि गूगल पे का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था, तो इस पर भी हम एक डिटेल में वीडियो पहले बना चुके थे। तो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह वीडियो मिल जाएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। अब यहां पर पेटीएम के SBI कार्ड के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप इस कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि पेटीएम SBI कार्ड के ऊपर भी हम इससे पहले डिटेल में वीडियो बना चुके हैं कि किस तरह के बेनिफिट मिलता है, क्या चार्जेस है। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर भी थोड़ा सा जानकारी हम दे देते हैं। देखिए दोस्तों, पेटीएम जो है SBI के साथ पार्टनरशिप करके दो वेरियंट का क्रेडिट कार्ड लॉन्च की है, जिसमें एक है पेटीएम SBI कार्ड और दूसरा है पेटीएम SBI कार्ड सेलेक्ट। इन दोनों कार्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं जल्दी जल्दी में। दोस्तों पेटीएम SBI कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी है, जिसे एनुअल चार्ज कहा जाता है, वह 499 रुपया है, और पेटीएम SBI कार्ड सेलेक्ट जो है उसका एनुअल चार्ज 1499 रुपया है। लेकिन दोस्तों फर्क यह है कि 499 रुपया वाला क्रेडिट कार्ड में आपको कम बेनिफिट देखने को मिलेगा और यहां पर 1499 रुपया वाला क्रेडिट कार्ड में आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों यहां पर पेटीएम SBI कार्ड सेलेक्ट के बारे में बात करें तो इसका एनुअल चार्ज 1499 रुपया जरूर रखा गया है, लेकिन यह भी बात बताया गया है कि अगर साल में 2 लाख रुपया आप इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर लेते हो तो यह जो चार्जेस है वो रिवर्स कर दिया जाएगा, यानी कि आपको वापस दे दिया जाएगा। जबकि पेटीएम के SBI कार्ड जो 499 रुपया वाला है, इसमें इस तरह की बातें नहीं लिखी गई है। उसके बाद दोस्तों यहां पर 499 रुपया वाला क्रेडिट कार्ड में आपको पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, जो कि 750 रुपया का आते हैं। उसके बाद 1499 रुपया वाला में भी पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको 750 रुपया का कैशबैक भी मिलता है, जो कि पेटीएम की तरफ से वाउचर बैलेंस में दे दिया जाता है। अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करोगे ना तो वहां पर वाउचर बैलेंस वाला आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जहां पर आप जो है मर्चेंट पेमेंट भी कर सकते हो, रिचार्ज बिल पेमेंट इन सभी आप कर सकते हो उस बैलेंस से। उसके बाद दोस्तों यहां पर पेटीएम के SBI कार्ड जो कि 499 रुपया वाला आते हैं ना, इसमें आप एनुअल 1 लाख रुपया स्पेंड कर लेते हो तो फिर अगली बार जो है पेटीएम का फर्स्ट मेंबरशिप रिन्यूअल हो जाएगा ऑटोमेटिक, जो कि 750 रुपये का आता है। लेकिन 1499 रुपया वाला में आपको अलग प्रकार के बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अगर एनुअल आप जो है 4 लाख रुपया स्पेंड कर लेते हो 1499 रुपया वाला पेटीएम SBI कार्ड सेलेक्ट पर, तो यहाँ पर आपको जो है 2000 रुपया का गिफ्ट कार्ड मिलेगा। अगर एनुअल 6 लाख रुपया स्पेंड कर लेते हो तो 4000 का गिफ्ट कार्ड आपको मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री में मिलेगा। दोस्तों 499 रुपया वाला में साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस भी दिया जाता है, जहां पर 1 लाख रुपया का कवर आपको मिलते हैं, लेकिन 1499 रुपया वाला में आपको जो है 2 लाख रुपया का फ्रॉड इंश्योरेंस कवर मिलता है, जो कि साइबर फ्रॉड इंश्योरेंस कवर मिलता है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा चीज है कैशबैक, जो कि यहां पर पेटीएम SBI कार्ड 499 रुपया वाला में कैशबैक आपको थोड़ा सा कम मिलता है, और पेटीएम SBI कार्ड सेलेक्ट 1499 रुपया वाला में आपको कैशबैक थोड़ा ज्यादा मिलता है। देखिए यहां पर 499 रुपया वाला क्रेडिट कार्ड में आपको 3% का कैशबैक मिलता है यदि आप पेटीएम मॉल पर या फिर ट्रेवल टिकट या फिर मूवी टिकट बुक करते हो, लेकिन 1499 रुपया वाला में ना 5% का आपको कैशबैक मिलता है यदि आप जो है पेटीएम मॉल पर खरीदारी करते हो या फिर जो है ट्रेवल टिकट या फिर मूवी टिकट वगैरह बुक करते हो ना, तो आपको यहां पर 5% का कैशबैक मिलता है। वही अगर 499 रुपया वाला क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो पेटीएम पर अगर आप रिचार्ज बिल पेमेंट यानी कि जो कुछ भी करते हो पेटीएम के भाया, उस पर जो है 2% का कैशबैक मिलता है, और बाकी 1499 रुपया वाला में भी 2% का मिलता है। 1% का कैशबैक मिलता है कहीं भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उस पे। दोनों में सेम ही रखा गया है, 499 रुपया वाला में भी और 1499 रुपया वाला में भी। उसके बाद दोस्तों फ्यूल सर चार्ज के बारे में बात करें तो 499 रुपया वाला में ना फ्यूल सर चार्ज 1% माफ कर दिया जाता है, जो कि अप टू 100 रुपया पर मंथ के अनुसार से। पर मंथ अनुसार से कहने का मतलब यह है कि एक महीना में ज्यादा से ज्यादा 1% के अनुसार से 100 रुपया ही माफ किया जाएगा, जो कि 499 रुपया वाला क्रेडिट कार्ड के बारे में बता रहे हैं। इसके लिए मिनिमम ट्रांजेक्शन 500 रुपया से लेकर 4000 रुपया तक आपको
करना होता है। उसके बाद 1499 रुपया वाला क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको जो है फ्यूल सरचार्ज 1% माफ़ किया जाता है, जो कि पर मंथ के अनुसार से 250 रुपया मैक्सिमम माफ़ किया जाता है। और इसके लिए मिनिमम जो ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं वो 500 रुपया से लेकर 3000 रुपया तक मिनिमम ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों पेटीएम SBI कार्ड सेलेक्ट के बारे में बात करें जो कि 1499 रुपया का आता है, तो इसमें जो है आपको 4 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस करने को मिल जाता है, जो कि 1 पर क्वार्टर आपको यानी प्रति 3 महीना पर आपको 1 मिल जाता है। अब सवाल आता है कि पेटीएम का यह क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो चलिए आगे की वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों पेटीएम का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए ना आपको जो है पेटीएम ऐप पर ही आना होगा। अगर आप पेटीएम पोस्ट पेड सर्विस का इस्तेमाल करती हैं तो आपको यह क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। यदि आपका सिविल स्कोर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको यह क्रेडिट कार्ड इजीली मिल सकता है पेटीएम के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पेटीएम का पोस्ट पेड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमें पेटीएम पोस्ट पेड डिलाइट वेरियंट मिल चुका है, 19,000 रुपया का लिमिट है। तो आप जो है पेटीएम ऐप पर भी आप यहाँ पर क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर एक्सेलेंट है या फिर बहुत अच्छा है तो आपको यह क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और यदि आप पेटीएम पोस्ट पेड इस्तेमाल करते हैं फिर भी आपको यह क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर आप पहले से पेटीएम पोस्ट पेड इस्तेमाल नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको यह क्रेडिट कार्ड लेना, लेकिन फिर भी अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है तो आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए क्रेडिट स्कोर आप कैसे चेक कर सकते हैं इसके बारे में पहले बता देते हैं, उसके बाद अप्लाई करने का प्रोसेस बताएंगे। बिल्कुल फ्री में आप लोग क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ऑल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। ऑल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर पेटीएम पोस्ट पेड और क्रेडिट स्कोर की ऑप्शंस आएंगे, यानी फ्री क्रेडिट स्कोर। तो आपको यहाँ पर फ्री क्रेडिट स्कोर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर कुछ डिटेल आपसे खोजे जाएंगे। अगर इससे पहले आपने चेक किया होगा तो आपको यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं खोजा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो क्रेडिट रिपोर्ट डेट बताया गया है 4 नवंबर 2020, और मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो आप देख सकते हो एक्सेलेंट बताया गया है, 796 है, ठीक है ना। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर एक्सेलेंट रहता है, अच्छा रहता है, तो आपको यह क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो है आप काफ़ी आसानी से क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हो बिल्कुल फ्री में पेटीएम पर आकर। यहाँ पर रेंज भी बताया गया है, एक्सेलेंट कब माना जाएगा, गुड कब माना जाएगा, पुअर और एवरेज कब माना जाएगा। तो आप यहां से काफ़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप जो है क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर कोई भी अभी तक जो है ऐसा कोई बैनर यहां पर नहीं दिया गया है जहां पर आप जो है क्रेडिट कार्ड क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। बस एक छोटा सा प्रोसेस दिया गया है, यहाँ पर सर्च वाले आइकन मिलेंगे, सर्च वाले आइकन पर क्लिक करके क्रेडिट कार्ड जो कि पेटीएम क्रेडिट कार्ड आपको सर्च करना है। पेटीएम क्रेडिट कार्ड सर्च करने के बाद जो SBI वाला क्रेडिट कार्ड है जिसके बारे में हमने डिटेल में आपको जानकारी दिया, वही क्रेडिट कार्ड आपको जो है कुछ इस प्रकार से नजर आएंगे। अब यहां पर आप एक चीज़ लिखा हुआ देख सकते हैं, थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन पेटीएम SBI कार्ड, वी विल नोटिफाई यू शॉर्टली। यानी कि दोस्तों आप यहां पर सर्च करके आओगे ना तो यहां पर अगर वेटलिस्ट ज्वाइन करने का ऑप्शंस मिलता है तो आप लोग वेटलिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। अगर अप्लाई करने का ऑप्शंस मिलता है तो आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिलहाल जो है ना तो हमें वेटलिस्ट ज्वाइन करने का ऑप्शंस मिला है ना ही अप्लाई करने का ऑप्शंस मिला है। तो यही एकमात्र तरीका है, आप लोग अपने अकाउंट में ज़रूर चेक कर लेना कि आपको यहाँ पर क्या कुछ लिखा जाता है। अगर आपको वेटलिस्ट ज्वाइन करने का ऑप्शंस मिलता है तो आप वेटलिस्ट ज्वाइन कर लेना। वेटलिस्ट ज्वाइन करने से होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पर जो है सबसे पहले ये लोगों को वेटलिस्ट में रखेंगे और जैसे ही आपका बारी आएगा, आपका नंबर आएगा, आप जो है यहाँ पर काफ़ी आसानी से क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शंस मिलता है तो काफ़ी आसानी से आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड लेना उतना आसान होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर पेटीएम ने बताया है कि ये आसान होगा और लगभग बहुत लोगों को यह क्रेडिट कार्ड मिलेगा। हालांकि देखना शेष है कि जब अप्लाई करने का ऑप्शंस आता है तो कौन कौन लोगों को यह क्रेडिट कार्ड मिलता है। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि पेटीएम की तरफ से पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड सिटी बैंक के साथ मिलकर जब लॉन्च किया गया तो उसमें जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट खोजे जा रहे थे, इनकम प्रूफ हो गया, सैलरी स्लिप हो गया, इन सभी डॉक्यूमेंट को आप वहाँ पर देते थे, उसके बाद ही आपका जो क्रेडिट कार्ड था वो अप्रूव्ड हो पाता था। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं रखी गई है। फिलहाल जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शंस कुछ इसी प्रकार से मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों कमेंट
कमेंट आ रहा था कि हम क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पेटीएम का SBI क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो डिटेल में बना कर दे दिया ताकि आप लोग परेशान ना हो, अपने ऐप पर जरूर चेक करते रहे। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पेटीएम की तरफ से यह भी बोला गया है कि कुछ ही यूजर को जो है अभी अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा और क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड किया जाएगा, धीरे धीरे सभी के लिए यह क्रेडिट कार्ड आएंगे। तो हालांकि क्रेडिट कार्ड जारी करने में भी थोड़ा सा समय लगता है, जिसके वजह से धीरे धीरे करके जो है पेटीएम सारा प्रक्रिया करेगी। तो आप लोग चिंता ना करो, अगर आपके पास क्रेडिट स्कोर अच्छा है और यदि आप इनकम वगैरह करते हैं और पेटीएम पोस्टपेड सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यह क्रेडिट कार्ड जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये अप्रूवल जो है SBI की तरफ से भी मिलेगी और पेटीएम की तरफ से भी मिलेगी। अब देखना शेष है कि पेटीएम जो है अप्रूवल कितना आसान बनाता है और कौन कौन लोगों को यह क्रेडिट कार्ड देता है, तो इस पर हम डिटेल में वीडियो देते रहेंगे। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं डिटेल में वीडियो देता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसके बारे में तो डिटेल में हमने पहले भी बता रखा है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।